नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका वीके यूट्यूब चैनल में। तो किसान भाइयों, खेती से जुड़ी सारी जानकारी हम आपको जो देंगे एकदम सटीक और सही देंगे। तो प्लीज़ चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज हम बताएंगे इस वीडियो में, आलू की पेड़ी चढ़ाने के बाद पहला पानी कितना इसमें लगाना है। क्या होता है किसान भाइयों की अगर आलू में पहला पानी ज़्यादा लग जाता है तो दुढ़ी बैठ जाती है, तो आलू में जो फल रहते हैं वो सही तरह से विकास नहीं कर पाते हैं, बढ़ नहीं पाते हैं और पैदावार ऑटोमेटिक कम हो जाती है। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि पानी कितना लगाना है। ये देख लीजिए, पानी मशीन से लगाए हुए हैं, पहला पानी दे रहे हैं पेड़ी चढ़ाने के बाद। इसकी गुड़ाई कर दिए, गुड़ाई करने के बाद इसकी में यूरिया खाद डाल के 12 बिस्सा में एक बोरी डाले हुए हैं। डालने के बाद इसकी सिंचाई कर रहे हैं, पहला पानी पेड़ी चढ़ाने के बाद। तो ये देख लीजिए, पानी लगा हुआ है खेत में, इसमें पानी जा रहा है। इतना पानी देना है आपको। अभी हम आपको पूरा वीडियो देखना है, पूरी जानकारी मिलेगी आलू की, पूरी बुवाई से लेके उसकी कौन कौन सी दवा डलेगी, कब कब पानी देना है और जब आलू का बाढ़ ख़त्म हो जाता है तब उसमें कौन सी दवा डालना है जिससे हमारी आलू की फसल अच्छी हो और आलू का फल जो है वो बड़े साइज का हो, छोटा ना रहे। पेड़ की क्वालिटी कितनी अच्छी है देख लीजिए। अब जब इसमें हम पानी दे रहे हैं तो इतना बड़ा बड़ा पेड़ हो जाएगा आपकी बार। ये कोई दुढ़ी जो दिख रही है ये आपको दिखेगी नहीं, ज़मीन इतना पानी लगाना है आपको, इतना फुल सिंचाई है पहले पानी का, इतना जितना इसमें लगा हुआ है। इतना पानी अगर आप देंगे तो आलू के पेड़ की भी क्वालिटी अच्छी रहेगी और फल की भी क्वालिटी अच्छी रहेगी। तो किसान भाइयों, हमारे वीडियो को अंत तक देखिए और जो कमी आपको महसूस हो, कमी मिले, आप कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि हम अपनी कमी नेक्स्ट वीडियो में दे सकें। गलती अगर हमारी वीडियो में कोई हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ किसान भाइयों, लेकिन जो जानकारी देंगे एकदम सटीक देंगे। धन्यवाद।